आज मन की बात कार्यक्रम ख्वाजा बाग वार्ड नंबर 21 में मन की बात प्रभारी आशिक हुसैन गनई, मुदस्सिर मंजूर वानी, जिला उपाध्यक्ष बारामूला मंजूर अहमद भट्ट, विधानसभा क्षेत्र महासचिव बारामूला मकसूद अहमद मीर के साथ साथ और भी लोगों ने सुना और इसकी सराहना की। उनका अनुभव क्या रहा है? मदन मोहन जी प्रणाम। नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार। अच्छा, मुझे बताया गया है कि आपके लिए मैं सभी डॉक्टरों और इस सुविधा का लाभ उठाने वाले मरीजों को बहुत बहुत बधाई। कुमार के नाम से जानने लगे हैं। पेरिनी नाट्यम भगवान। शुक्रिया कि आप यहाँ पे आए। आज जो मन की बात पूरे देश में सुनने के लिए पूरा हिंदुस्तान बेचैन होता है, हमारे श्री नरेंद्र मोदी जो ऑनरेबल हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं इंडिया के, इसको सुनने के लिए बेचैन होते हैं। और जितने भी हमारी भारतीय जनता पार्टी ने जब वजूद में आई 2014 में, उनने जितने भी काम किए हैं उसमें हमारे प्राइम मिनिस्टर बिल्कुल वाजिया करता है मन की बात, जो लोगों को एक मैसेज देता है इससे। और आज हमने अपने ऑफिस ख्वाजाबाग में, जो मेरे रेजिडेंस ऑफिस है, एज अ मन की बात का डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज, मैंने आज यहाँ पे अपने वार्ड नंबर 21 पोलिंग बूथ नंबर ए है, तो यहाँ पे हमने मन की बात सुनी, जिसमें मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी टीम भी मौजूद रही, जिसमें जनरल सेक्रेटरी मंजूर अहमद भट्ट साहब, सेक्रेटरी मुश्ताक अहमद गनई साहब और हमारे दीगर साथी और हमारे इंचार्ज मकसूद साहब, हमारे वाइस प्रेसिडेंट मुदस्सिर मंजूर वानी साहब और ऑल हमारी जो टीम है, आज हमने यहाँ पे हमारे ऑफिस में मन की बात सुनी और इस टाइम हम सब इकट्ठे बैठे हैं।